अहमदी नंदी घर लास्ट टाइम आए संपूर्ण, और इंशाल्लाह आज भी हमने अपना सामान यहाँ पे रखा है। कल सुबह यहाँ से हम लोग नशी के लिए निकलेंगे और 20 को फिर आके हम लोगों का एक दिन का स्टे इधर होगा। 21 से आगे हमारी बुकिंग हुई हुई है, फिर 21 से ऑनवर्ड्स हम लोग अपने होटल में जाएंगे। ये करबला के सेंट्रल एरिया में वाक़ हैं जी, ये करबला से यहाँ से रखे भी जाते हैं तकरीबन, ये मेन करबला से, क्योंकि आपको पता है आज आप आए हैं रास्ते सारे बंद होते हैं, ठीक है, इसलिए आप करबला के अंदर होटल तक ले जाना बहुत मुश्किल था सामान, 3 बंदों के लिए 12 बंदों का सामान, इसलिए फिर हम लोगों ने इसकी सिलेक्शन की कि यहाँ पे रहेंगे, यहाँ पे अपना सामान रखेंगे, एक तो सेफ है और दूसरा जो है ना यहाँ तक गाड़ी की इजी अप्रोच थी। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत थी, बहुत अच्छा। और ये जो अहमद साहब हैं ये बसरा से बिलोंग करते हैं, जैसा से बिलोंग करते हैं, तो उस बंदे की इतनी मोहब्बत है कि उसने पूरा घर जो है, एक दूसरा घर एक और भी है, ये दोस्त का घर, उन्होंने ये डिवोट कर रखा है। ये ज़ायरीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए जो है वो मुख्तस है, मुख्तस है, और जो इमाम के ज़ायरीन आते हैं वो यहाँ पे आके रहते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, और बहुत खूबसूरत जो है उनका, इतनी मोहब्बत का जज्बा और इतना खूबसूरत घर, और इतने लोगों के लिए ज़ायरीन के डिवोट करना, ये एक उनकी ख़ास मोहब्बत है जो हज़रत इमाम हुसैन के लिए है। अल्लाह उनको हमेशा अल्लाह अपनी रहमतों से नवाजे, उनको कामयाबियाँ कामरानियाँ अता फरमाया। आमीन सुम्मा आमीन, थैंक यू।